हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट डी करेंगे अपने चैप्टर का, जो कि हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और आज हम देखेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। कि नॉइज़ पॉल्यूशन जो है ये भी बहुत एक मेजर इशू है अपनी कंट्री का। अपार्ट फ्रॉम एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज एज वेल। कि जिस तरीके से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। द नॉइज़ क्रिएटेड बाई द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, व्हीकल एट्सेट्रा। तो अब ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है किन किन वजह से हो रहा है? मशीन्स की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जो इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स यूज़ हो रही हैं, व्हीकल की वजह से। इन वेरियस वेरी लाउड ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, लाउड स्पीकर, डीजे बैंड्स एट्सेट्रा आर यूज। तो अब जब फेस्टिवल्स होते तो आपने देखा ही, अभी उत्तरायण आएगा तो क्या होगा कि लोग अपने छत पे, टेरेस पर क्या करेंगे, फुल वॉल्यूम में स्पीकर लगा देते हैं और काइट फ्लाइंग करते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। दिस क्रिएट्स नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाउडली और बाय बर्स्टिंग नॉइजी फायर क्रैकर एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल, विक्ट्री इन एनी गेम और इलेक्शन। तो आपने देखा ही है कि जब भी फेस्टिवल कोई होता है तो मोस्ट ऑफ लोग क्रैकर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, बर्स्ट करते हैं। और जैसे इंडिया पाकिस्तान का या कोई भी क्रिकेट मैच चलता है तो जब भी इंडिया विन करती है तो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेशन क्या करते हैं कि पटाखे यूज़ करते हैं, कि मतलब क्रैकर्स को बर्स्ट करके सेलिब्रेशंस अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और शादी वगैरह होती है इन सीजन्स में भी बहुत ही पटाखों का यूज़ होता है। ये सब क्या है, जो पटाखों में से जो साउंड निकलता है पटाखों में से, वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। द सिटी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस, ऑटो रिक्शाज एंड ऑटो टू व्हीलर्स। हैपर्स पार्किंग लीड्स टू कंजक्शन ऑफ व्हीकल एंड द सब्सिक्वेंट ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन। अब जो सिटीज़ में टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स, ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन डे बाई डे और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन लीड्स टू डीपनेस एंड अफेक्ट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अब नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से लोग आज क्या होते जा रहे हैं, कान सुनने की शक्ति लोगों की कम हो रही है, मतलब ईयर्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। मेंटल इमोशनल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे। पीपल बिकम मोर इरिटेबल। लोग बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े से होते जा रहे हैं। नेचर इज़ अफेक्टेड बैडली ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज़। तो जो लोगों का नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है, सब अफेक्ट हो रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। सर्टन इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी हेल्पफुल टू अस डाई ड्यू टू लाउड नॉइज़। और कुछ एनिमल्स तो इतनी लाउड साउंड की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, फिर भी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू कीप साइन बोर्ड रीडिंग, नो हॉन्किंग नो और साइलेंस प्लीज नियर स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। दिस शो द सीरियसनेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। आपने हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास देखा होगा, नो हॉन्किंग मतलब कोई हॉर्न ना बजाए ज़्यादा, साइलेंट रहें जितना हो सके ताकि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक शो करता है सीरियसनेस नॉइज़ पोल्यूशन के रिगार्डिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैट द सिटीजन देमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद समझें कि हमें कम से कम नॉइज़ क्रिएट करना है। वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी लाउडली ड्यूरिंग सेलिब्रेशन और स्पेशल ओकेजन। वी शुड नॉट बोस्ट फायर क्रैकर्स प्रोड्यूसिंग लाउड नॉइज़। व्हीकल शुड बी सेंट फॉर सर्विसिंग एट प्रॉपर इंटरवल। द रूल्स रिगार्डिंग PUC मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट। पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी कंट्रोल्ड to reduce the noise pollution. Trees should be planted on both the sides of roads and around industries. The road should be broad enough. If the traffic congestion is intensive, then the road could be declared as a one way. Awareness and appropriate action is the needed for of the hour to save ourselves from pollution. To ab bataya gaya hai ki ye new
पॉल्यूशन जो है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ही सीरियस मैटर है। इसे हमें खुद ही समझना होगा और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना बंद करना होगा या कम करना होगा, फायर क्रैकर्स जो हैं ये कम करने होंगे, पटाखे फोड़ना, और PUC से जो गाड़ी वहाँ से सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ, और रेगुलर इंटरवल में गाड़ी की सर्विसिंग करानी चाहिए ताकि जो साउंड प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। आप देखते ही होंगे कि पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसे फटफटिया क्यों बोला जाता है कि अरे फटफटिया गाड़ी है, क्यों? क्योंकि उसका जो साउंड है वो फटफट 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 होता है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो हमें बहुत इरीटेट करता है। तो इसीलिए पुरानी गाड़ी को फटफटिया कहा जाता है क्योंकि उसके साउंड जो व्हीकल से आता है वो फटफट वाला होता है। वी ऑल आर अवेयर हाउ वैल्यूएबल वाटर इज स्टिल वाइल परचेसिंग अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंस। जब हम हमें पता है कि पानी कितना कीमती है, जब हम एक बॉटल पानी खरीदते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि मतलब पानी की इम्पॉर्टेंस और पानी बहुत ज़्यादा है, पर पानी का जो एक कीमत है ये हमें बहुत ज़्यादा लगता है, पर हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। टुडे प्योर वाटर इज़ नॉट द ओनली कंसर्न। गांधी जी हैड सेड दैट वाटर लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी, एवरीबडी इन्जॉय इक्वल राइट ऑन इट। गांधी जी ने ऐसा कहा कि जो पानी है, जो ये लैंड है, जो फॉरेस्ट है, इस पर सभी कम्युनिटी का समान हक है। एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट। इट इज़ अ मोरल साइन टू मेक अ कमोडिटी फॉर सेल। एमोंग द मैन मेड प्रॉब्लम्स वाटर पोल्यूशन होल्ड द हाइएस्ट प्रायोरिटी। जितने भी ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें वाटर पोल्यूशन सबसे ऊपर है। वी हैव टू फाइंड एन आंसर टू इट एंड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी शेयर्ड इक्वली बाय एवरीबॉडी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। इसीलिए सबको समान रूप से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसे हमें कैसे हटाना है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन जो है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। एवरी पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू फाइंड वेरियस मेजर्स टू मेक आवर एनवायरमेंट क्लीनर एंड हेल्थियर। तो हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा इन समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को जो ये पॉल्यूशंस हो रही हैं, और हर एक को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को क्लीन और एक हेल्दी एनवायरमेंट बना सकते हैं, हम ऐसा कौन से स्टेप लें जिससे कि हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक क्लीन एनवायरमेंट में बना सकते हैं। तो डियर, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे थोड़ा एनवायरनमेंट को लेके, कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं। और बनेंगे नहीं, आई थिंक मेरा ये मानना है कि हमें बनना ही चाहिए, ताकि देखिए हम भी उसी एनवायरनमेंट में हम एग्जिस्ट करते हैं ना, हम भी यहीं पर हैं, तो अगर एनवायरनमेंट क्लीन होगा, हेल्दी होगा, तो हम भी हेल्दी होंगे। तो आगे से आप लोग भी ध्यान रखिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी मतलब अवेयर करिएगा कि हमें अपने अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करना है, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है। थैंक यू।